यार ये बोतलें मरवा गई कोई बात नहीं बोतलें तो वाकई वैसे बोतलें मरवाई जाती हैं वेलकम आज ये गलती हो गई है वार्डरोब मैल फंक्शन हो गई है इसकी जैकेट मैं पहना है और ये मेरी ज़ैनब बास जैकेट पहना है तो ये कैसे हुआ मेरी जुराबे तो नहीं आपने पहन ली जुराबे मेरी हमेशा ऐसी होती है मगर ये गलती हुई है नहीं आप तो हर रंग पहन सकते हैं मतलब साथ एक मुझे जवान आदमी है बड़ा जी आप वाजा भी दे दो जवान आदमी है कुछ भी कर सकते हैं और बुढ़ापे में हो जाता है ऐसा कलर पहनना पड़ जाता है लेकिन ये बातें तो होती रहेंगी जो हमारे साथ खास आज ऑलराउंडर्स मौजूद है आज हमने दोनों पेयरिंग ऐसी की है कि दोनों को रखें तो लाहौर कलंदर से मोहम्मद हफीज एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो हैं हुसैन तलत हमारे साथ मौजूद हैं थैंक यू सो मच गाइस कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के काफी अच्छा लग रहा है और काफी ये तो वक्त बताएगा अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी जो शुरू होने वाली है ना एक वो रोमन्स खिलाते थे गेम्स एक हम खिलाएंगे तैयार है अपनी उम्र के साथ वाले एक प्लेयर को अपने साथ पिक करूंगा नवाजिश नवाजिश It's the youngsters versus the seniors. Seniors नहीं है, experienced हैं. Experienced कैंप. मैं टॉस से पहले भी यही कहने वाला था कि young और young एक साथ होने चाहिए. यार बड़ी जाती है तो बड़ी aggressive mood में आ रहा है. लो जी, coin मेरे पास है यहाँ पे टॉस होगा. पिच आप दोनों ने देख ली है. बहुत अच्छी लग रही. आप कॉल करिएगा. ठीक है जी, चलो. Tails. Tails. Tails it is. Well done. पहले बारी क्या करेंगे? पहले बारी देंगे या हम मतलब मेरा है कि अभी आपको पता चल जाएगा बिल्कुल प्रेशर ऑफ है हफीज साहब फिक्र ही ना करो ऐसी हमने बॉलिंग करानी है बस तैयार है मेरे ख्याल से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारी पहली गेम Which is flip the bottle. एक मिनट है आपके पास जितनी जो ज्यादा बॉटल्स फ्लिप करेगा वो जीतेगा सिंपल सी बात है हर बॉटल फ्लिप करने पे आपको मिलेंगे 6 रन और आपके पास टोटल टाइम है 1 मिनट हफीज साहब सर ट्राई वी गॉट टू डू इट बस इंशाल्लाह तो आपकी प्रेशर डालते हैं आपके रिस्ट वर्क जो है ना वो इसमें चेक होगा आपका टाइम स्टार्ट होता है अब चलो जी छक्का देख लें अब है आपकी मैं वहाँ पे आ जाऊँ थोड़ा सा प्रेशर डाल हुसैन आपकी बारी आ गई है आपको पता है बड़ा चेस बड़ा सिंपल है 12 करने हो ही जाएगा क्या ख्याल है नहीं 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 चांस ही नहीं है चलो जी मेरे पास स्टॉप वॉच है मैं जब आपको ओके कहूं तो फिर आप तुक्के मारने शुरू करें डन ठीक है जी रेडी रेडी गो ओए वेल डन यार ये मैच फंसने वाला है मुझे लगता है बड़ा कुछ होएगा ये तो काम शुरू है जो मर्जी करे लगना तुक्का ही है ये कोई और देख लो बॉटल मेरे ख्याल से ट्राई कर लेनी चाहिए हानी कर लो कोचिंग जैनब जितनी मर्जी भाई कभी कभार कोच का कॉन्फिडेंस जरूरी है नहीं करो करो सही होगी ना हमारे यहाँ पे कोच ज्यादा वैसे भी हमें जरूरत है तो आप प्लीज बल्ले से फर्क पड़ता है करते रहो उस बेचारे पे प्रेशर डाल रही हो काम का मैं कोई एक तो यंगस्टर है उसके हाथ में प्रेशर डाल रहा है एक लग गया छक्का हो गया चलो जी 6 हो गया जब से इन्होंने बैट चेंज किया मुझे लगता है कि हम जीतने वाले हैं कोच बैट चेंज किया ओ वेल डन लो जी स्कोर हो गया टाई ओ यस चलो चलो और भी डाल सकते हो लो आगे निकल गए जी राइट 4 हो गए ओ मैं जा रहा हूं मैं जो भी साहब लो जी लो लो करते जा 10 9 8 7 तुम्हारा डेफिनेटली कुछ खोखे वोखे का काम मुझे लग रहा है प्रैक्टिस की है इसकी यार कहना पड़ेगा यार ये तो रिकॉर्ड सास परफॉर्मेंस है ऐसा कोई कर ही नहीं सकता वैसे वाकई मुझे लग रहा है ये तो लेजेंड है इसका तो प्रॉब्लम हो गई है हफीज रमीज राजा की जो पार्टनरशिप है ये सिर्फ 12 रन ही कर सकी क्योंकि हुसैन तलत ज़ैनब अब्बास जो है वो माइल्स अहेड है 48 आपने
पॉइंट स्कोर किए हैं और बोतल सीधी करने का ठेका लिया आपने. बहुत मुबारक. हमने कोशिश की, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. इसमें इनको हराने की कोशिश करें. हाँ, मेरा ख्याल से कि ये तो आइडियल मौका है प्रोफेसरी को दिखाने का और आपकी जो है स्किल्स को दिखाने का. ये इसमें आइडिया यही है कि जी HBLPSL जीत की जंग का है राउंड 2020 एंड जैसे कि 2020 फॉर्मेट होता है उसी तरह आपने जवाब देने और जो हमारे अंपायर्स आपके सामने बैठे हुए हैं वो एंड में डिसाइड करेंगे कि आउट है कि इन है कि क्या है उसके मुताबिक हम आपको मार्क्स देंगे. ठीक है ना? तो मैं पहले चलूं? जैसे मर्जी आप, जैसे मर्जी, जिस तरह आपको फील करें. चलो ठीक है. नहीं, लेडीज फर्स्ट. तो लेडीज फर्स्ट, चले ठीक है. इसमें टॉस नहीं होएगा? पहले इसमें टॉस नहीं है, इसमें बस एक ही बात है. ऐसी मर्जी है जिन्हें पाकिस्तान जो ट्रैफिक है ना, ऐसे की मर्जी है. सवाल आपसे है, अगर दुनिया में क्रिकेट होती ही नहीं तो कौन सी स्पोर्ट्स खेलते हैं? गुल्ली डंडा. थोड़ा पास पास रहता है इसके. अच्छा, ग्राउंड पे किस प्लेयर को तंग करने का मजा आता है? अहमद शहजाद को. वो कौन सा मैच था जो ना हुआ होता तो बेहतर था? जिसमें मैं इंजर्ड हुआ लास्ट मैच में, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची, वो ना ही होता तो अच्छा. वैसे तो कलंदर्स के काफी मैचेस हैं जो ना ही होते. फिर पूरा टूर्नामेंट ना ही होता चार साल तो. है ना? कितने जवाब दें यार, कितने जवाब दें. अगर इन दो में से एक प्लेयर को टीम में रखना हो तो किसको रखेंगे, असद शफीक या फिर अजहर अली? टेस्ट क्रिकेट अजहर अली. अजहर, आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करें? झूठ बोलें, मुछे काट दें. वो तो फिर नहीं नहीं, मुछा हजे थे हाई तो बात नहीं है, नहीं कटानी है क्यों? इसका मतलब है बहुत आता होगा जब मीडिया हमारा बोलता होगा तो. कामना नकमल की अलमारी से क्रिकेट की चीजों के अलावा और क्या मिलेगा? जॉज. म्यूजिक सीडीज, ही इज अ म्यूजिक लवर. अच्छा, क्या म्यूजिक सुनते हैं वो? हर तरह का सुनता है, जो उन समझ आ रहे होवे और सानू समझ नहीं आता. अच्छा, इस प्लेयर की वो कौन सी बात है जो किसी को नहीं पता? शाहीन अफरीदी. मेरा ख्याल अब तो सबको पता लग गई है. नहीं, ये कुछ चलो अच्छा जवाब था, अच्छा जवाब था. मोहम्मद आमिर. आमिर के बारे में आई थिंक गाड़ी कौन सी चलाता है ये शायद लोगों को ना पता हो. डांस बहुत अच्छा करता है जो लोगों को नहीं पता, बट आई सॉ सम ऑफ द मूव्स, सम ऑफ द टैलेंट, सम ऑफ द मूव्स, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा डांसर. शादाब खान. सीरियस नोट के ऊपर कि बहुत अच्छा थिंकर आई बिलीव, बहुत अच्छी क्रिकेट की उसकी सेंस है. म्यूजिक के ऊपर थोड़ा सा मजीद अपना टेस्ट बेहतर करने की जरूरत. क्या सुनता है? जो वो भी वैसे ही है, वही मलंग साहब. अच्छा, ऑलराउंड क्वालिटी के लिहाज से रैंक करें, अब्दुल रजाक, शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज. डेफिनेटली शाहिद अफरीदी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद रजाक भाई, मोहम्मद हफीज कितने भी नहीं. पाकिस्तान के लिए जो शाहिद भाई ने अचीव किया एज ऑलराउंडर, फिर जो रजाक भाई ने अचीव किया, हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं. सो दे आर डेफिनेटली बेटर देन मी. ठीक है, चलो जी आगे चलो. इन क्रिकेटर्स पे बनने वाली फिल्मों के नाम क्या होंगे? बाबर आजम. जो समझ नहीं आ रही इसकी, बस यही लगा सकते हैं. समझ नहीं आ रहा, बस यही टाइटल होगा. नहीं, बाबर के लिए मेरा अपना ख्याल है कि हुमायूं भी बन सकता है. अच्छा, चले शादाब खान. ईसा खेलवी, मूवीज के नाम ईसा खेलवी ब्रिगेड. हाँ, लेकिन हो सकता है बिकॉज़ ही बिलोंग्स टू मियांवाली, तो ईसा खेलवी उसकी मूवी बन सकती है. कमीज तेरी काली होगी इसके. हाँ, अभी ठीक है, सही है. सरफराज अहमद. अबे ओ काले, यही. वाह रियाज. मैं विग नहीं पहनता, मैं विग नहीं पहनता. ज़ैनब. ज़ैनब. अच्छा, इतना डंडा है. नहीं नहीं, उनकी बीवी की बात नहीं, उसकी बीवी का नाम ज़ैनब है यार. अच्छा, तो आप क्लियर करें ना. हाँ, तो इसलिए तो कर रहा हूँ कि ज़ैनब मूवी में जो है ना वो बहुत अच्छा काम करेगा. अच्छा, चले टेस्ट वनडेज या T20 सेलेक्ट वन? नाउडेज ऑब्वियसली आई विल गो विद T20s, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को इससे मोहब्बत है, प्यार है, और लोगों की मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बत भी चेंज कर लेनी चाहिए कभी कभी. HBLPSL का सबसे मजाहिया प्लेयर कौन सा है? वो छोड़ गया, सैयद अजमल था. सही. वो वाकई उनकी फैसलाबादी जुटे, छोड़ा नहीं है, तो कोच बन गया. तो कोच बन गया, लेकिन जो मजे जो ठुमके वो मैच में खेल के लगाते थे ना. इन प्लेयर्स का नाम सुन के सबसे पहले जहन में कौन सा लफ्ज आता है? शाहिद अफरीदी. पठान. लाला. लाला. वकार यूनुस. एक्सप्रेस. एक्सप्रेस. असद शफीक. सॉलिड. रॉस टेलर. बिग बम. बिग.
कि मुझे समझ नहीं आ रही इस राउंड के पॉइंट्स मैं आपको दूं नहीं दो यार दो उनके हम उनको दोनों को आप दे सकती हैं यार दो दो एक दुख में दिए उन्होंने बाकी ना 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 यार बाकी मर्जी ताड़ी जनाब तुसी उन जाजो चले आपके कुछ जवाब बड़े अच्छे थे कुछ जरा माठे थे कोई गल नहीं तो मेरा ख्याल से हम आपको देते हैं तानू माठे लगे ने तो आदमी मन चंगे लगे ने मेरा ख्याल से हम आपको देंगे 70 अच्छा ठीक है एने ज्यादा नहीं थोड़े घटा ले जाना 60 80 भी देने ने और अच्छे अच्छे जवाब है ना पहला सवाल इन प्लेयर्स का नाम सुन के सबसे पहले ज़हन में कौन सा लफ्ज आता है मोहम्मद यूसुफ लेजेंड सरफराज अहमद कप्तान सचिन तेंदुलकर अगेन लेजेंड हसन अली जनरेटर अच्छा क्रिकेट से हट के आपकी सबसे ज्यादा बुराई किस बात की होती है घर में होती है लेट नाइट बाहर रहने से तो यार ये बड़ी ज्यादती करते हैं आप यार घर जल्दी आया करें क्या लफूटरी करते हैं चार बजे दोस्तों के साथ ही दोस्तों के साथ पक्की बात बिल्कुल ओके अगर दुनिया में क्रिकेट होती ही नहीं तो कौन सी स्पोर्ट्स खेलते फुटबॉल फुटबॉल कौन है आपका फेवरेट प्लेयर वो नहीं आंदा ना नहीं आंदा किस प्लेयर के साथ अपनी लाइफ को स्विच करना चाहेंगे मिस बॉलक अच्छा इस वक्त तो सही अच्छी चॉइस ठीक सी चॉइस है यार मैं क्या और नहीं आपको गुस्सा दिलाना हो तो क्या करना चाहिए कर रहे हैं आप ज्यादा सवाल पूछ के ये अच्छा जवाब दिया ओके अपनी टीम के अलावा HBLPSL की कौन सी टीम है जिसका हिस्सा बनना चाहेंगे पेशावर आर्मी लाहौर कलंदर्स ने नहीं जान दो रहन दो बाहर जा रही हूं पेशावर आर्मी मुझे लगता है कि अच्छी बैलेंस टीम वो चूज करते हैं और काफी अच्छा उनका बैलेंस होता है यानी इस्लामाबाद की बैलेंस नहीं है इस्लामाबाद तो सबसे ऊपर है ना वो तो हमें क्या पता भाई आप कह रहे हैं उनके पास जाने आपने आपकी अलमारी से क्रिकेट की चीजों के अलावा और क्या मिलेगा परफ्यूम्स कौन सा है आपका परफ्यूम ज़ारा उद और गुची उद अच्छा ओके बैटिंग क्वालिटी के लिहाज से रैंक करें ये प्लेयर्स विराट कोहली मोहम्मद यूसुफ माइकल क्लार्क अच्छा सवाल है मोहम्मद यूसुफ नंबर 2 और माइकल क्लार्क 3 नंबर 3 अगर आप पे फिल्म बनाई जाए तो उसमें विलन कौन होगा आपकी जिंदगी का विलन कौन है ये भी क्रिकेटर होना चाहिए कुछ भी होना चाहिए ओदे ओदे बच्चियां मामू मामू क्या कौन ये मुश्किल है ना एक मैं दस देता हूं देख लेना वही निकलना है विलन वही निकलना है जवाब नहीं है यार ये देखो ये पॉइंट्स आया कर इसका जवाब नहीं है मेरे पास अच्छा ओके ये प्लेयर्स क्रिकेट से रिटायर होके क्या करेंगे बाबर आजम मेरा ख्याल है कोचिंग में आएगा कोचिंग करेंगे शादाब खान ट्रक चलाने का शौक है भाई उसको अच्छा ये नई चीज पता लगी हमें नहीं था पता लोग की गड्डियां आते फरारी चलाने का लगा ट्रक चलाने का फोकर चलाते ये ट्रक चलाते मोहम्मद हफीज ये तो ऑब्वियस ही कंस्ट्रक्शन हैं क्यों बिल्डर बना के अपनी मूंछ और दाढ़ी से लग रहे हैं अपना क्या ठेकेदार नहीं पहले ही काम करते हैं वो ये अच्छा ठीक है मैसेंजर प्रोफेसर शुएब मलिक शुएब भाई वो होंगे किसी क्या होंगे प्रोफेसर होंगे कहीं यूनिवर्सिटी में और हसन अली जनरेटर की दुकान डाल लेंगे ये बनता था वैसे लो जी मुकाबला खत्म आप जीत गए हैं आपको मुबारक हो क्योंकि एंड मैंने नंबर इनको देने हैं तो इनको मिलेंगे 65 नंबर और इनको 60 मिले थे इनको 70 मिले हैं ठीक है अच्छा था आई रियली एंजॉयड सम ऑफ दिस क्लोज कॉल हां अच्छा था वेल डन नहीं नहीं मजा आया दोनों के जवाब मेरी कंस्ट्रक्शन बिजनेस की समझ मनु आप नहीं आई जी कंस्ट्रक्शन नहीं मनु बड़ा मैं आप घबरा गया यार वो थोड़ा सा उसका रिएक्शन था कि कंस्ट्रक्शन है हैं रियली तो तुम अपना कर दे नहीं जरा थे बुलाया ही सानू अच्छा नहीं मन नहीं याद अच्छा यार ये बोतलें मरवा गई कोई गल नहीं ये बोतलें तो वाकई वैसे बोतलें मरवाई जाती हैं कभी खेल ही कभी जी अब अगली गेम की तरफ चलें चलो रेडी ऑल डन जी आई एम ऑल डन हफीज साहब मेहनत करनी है नेक्स्ट राउंड है वापसी आप इसमें कर सकते हैं सवाल मैं पूछूंगा और रूल्स आपको पता है पहला सवाल पाकिस्तान के कौन से कप्तान को सबसे ज्यादा ओडीआई जीतने का एजाज हासिल है इमरान खान छह पाकिस्तान से T20s में किस विकेट कीपर को मोस्ट डिसमिसल्स का रिकॉर्ड हासिल है कामरान
बिल्कुल सही। टी ट्वेंटीज में पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट पार्टनरशिप बनाने वाले बैट्समैन में से किसी एक का नाम बता दें। मोहम्मद हफीज, बाबर आजम। ये इसने लिया लेकिन मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद। नहीं नहीं, बजर इन्होंने बजाया। गलत था। तो yes. इसके काटे मुझे थे। मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद। सही बात। इनका जवाब सही था लेकिन आपको वैसे ही माइनस। और ये छह एक काट गए ताड़े। अगला सवाल यार बहुत इजी है ये। अच्छा। पाकिस्तान से हाईएस्ट ओडीआई बैटिंग एवरेज किस प्लेयर की है? बाबर आजम। सही बात है। पाकिस्तान से टेस्ट के एक मैच में बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किसकी हैं? यासर शाह। मैं जीत गया। इमरान खान 14 विकेट। जल्दी कटा रहे हो। ओडीआईज में पाकिस्तान के टॉप 3 विकेट टेकर्स का नाम ओडीआईज में? वसीम अकरम, वकार यूनुस एंड अब्दुल कादिर। मुश्ताक अफरीदी। अगला सवाल, पाकिस्तान अब तक किस टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा टी ट्वेंटी खेले? वेस्ट इंडीज। -6 वर्ल्ड कप की कौन से मुल्क ने एक से ज्यादा दफा जीता हुआ है? ओडीआईज वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया। ओथे बजर पहले बजा। यार शर्म कर जाना यार। बजर पहले बजा। सीरियसली बजर। बजर पहले बजा। बजर जो पहले बजाएगा वो ही जवाब देगा। चल यार बोल। नहीं दोबारा ऑस्ट्रेलिया कड़ी गाज है। कोई और सवाल करो। उसकी उसके सही जवाब देने में। HBLPSL में होने वाली कोई से दो हैट्रिक्स के बॉलर्स का नाम? हां जी बोलो। हुसैन। टाइम गया खत्म। बाब रियाज। नहीं मैं एक तो इमरान ताहिर है। हाँ, एक और फहीम अशरफ। कट गए। इमरान ताहिर का पता था मेरे भी आधे आधे हो गए। बोलिया नहीं पता नहीं सारा कुछ कैसा मिसना है मैं दसना नहीं मैं पता सब कुछ चलो जी अगला सवाल। अगला सवाल है टेस्ट में पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ी पार्टनरशिप किन की थी टेस्ट में? सो इनके इनिशियल्स हैं MN और JM। मुजस्सर नजर साहब और जावेद मियां दास। सही बात है। वेल डन। ये देखो ना नहीं तो मैं उसको भी दे रहा हूँ यार। उन्हें नहीं सुने ऐसे कान सही नहीं गए ऐसे कान चेक करावा पहले जैनब को मैं कह रहा तेज हो गई है। अच्छा, ओके जी। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड किसे मिला? T20 का कौन है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोजिटली सबसे बड़ा प्लेयर? शाहिद अफरीदी। करेक्ट। जैनब बड़े एक तन इशारे आंदे ने हैं शाहिद अफरीदी ऐसा तन देख रहे हैं तुम ना कहीं कब्बा शाहिद अफरीदी की तो आगे चलो आगे चलो। ODIs की हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड किस मुल्क के पास है? एक ही टीम। कौन है मर्क्यूरियल टीम जो के हैरान कर देती है कई दफा अपने टैलेंट से और जीत से? ऑस्ट्रेलिया। नहीं है हफीज। इंडिया। नहीं मर्क्यूरियल टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। चलो जी सवाल है पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट ओडीआई पार्टनरशिप का रिकॉर्ड रखने वाले किसी एक बैट्समैन का नाम बताएं। सैयद अनवर। -6 थैंक यू। इमाम उल हक और फखर जमान। ओह या थैंक यू इमाम। पाकिस्तान के कौन से आना चाहिए? पाकिस्तान के कौन से कैप्टन को सबसे ज्यादा T20 जीतने का एजाज? सरफराज अहमद। वेल डन +6। HBLPSL के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन कौन? कामरान। 2009 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को क्या टारगेट दिया था? 137। 36 कर ले। 139। गोल-गोल मैं आया ना। छे मिनट जवाब सही यार देखो ना ना कट गए ये तो नहीं मिलेंगे किसी को। जवाब ये सवाल पूछ ले। तुसी लाल कोट पाया है दी लाज रखो। मैं लाल शर्ट पाई है। अच्छा जी अगला सवाल 2009 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल किस ग्राउंड में खेला गया? पहले मैंने किया। हाँ जी लॉर्ड्स। सही बात। लो जी सवाल हो गए खत्म और वहाँ सोफे पे बैठ के हम डिसाइड फिर करते हैं कि कौन जीता है कलंदर्स या के यूनाइटेड। चले हम जीत गए। जीत गए मैडम। हम जीत गए। जीत गए जी। जीत मैंने कोशिश बड़ी की थी बड़ी तेज हो गई ब्याह करा के। मैं चेक कर रहे हैं। मेरी बात सुनो किस तरह क्या किया मैंने मैं देख रहे हैं मैं पहले भी देखे हुए थे मैं हूं भी देख रहे हैं।
कलंदर्स तो फिर एंड में कलंदर्स की तरह ही खेलते हैं ना। मैं और हफीज इसके बाद कलंदरी दाल खाएंगे फिर, यही हो सकता है। कलंदरी तुसी दाल, मगर वेल ट्राइड, मुझे आपकी स्पिरिट पसंद आई हफीज। थैंक यू। और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ट्रेमेंडस था उसके, मैं आपको अलग से 50 नंबर दे रहा हूँ। थैंक यू। और इस लिहाज से आप जीत गए मेरी नजर में। मेरे पीछे पड़ा था पूरे शो में, उसी के नंबर मिल रहे हैं। नहीं नहीं, उसी के नंबर नहीं, वो वैसे भी दो एक बातें उन्होंने बिल्कुल ठीक की है रिगार्डिंग के वो तेज हो गई 22 थी और तुम तेज हो गई हो। मैं हम जीत गए, हम जीत गए, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। थैंक यू बैलेंस जाना, मैं आपसे भी मिलना चाहूंगा क्योंकि आपने इस खेल में बहुत मजा जो है लिया हम दोनों से और आपने हमें खूब जो है लताड़ा है। लेकिन जैनब से मिलना जरूरी था क्योंकि मुझे भी तो खुशी हो ना कुछ, मुझे पता लगे कि मैं क्यों हारा। आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद यही करते हैं कि यूनाइटेड खड़ी हो और कलंदर्स की वापसी हो। आई थिंक कमबैक करना बड़ा जरूरी है, वेरी वेरी, क्योंकि ये सीजन शायद कलंदर्स का हो, क्योंकि आपकी टीम तगड़ी है और आपकी टीम यूनाइटेड है, सो दोनों की क्वालिटीज हैं। और वैसे भी जैनब साथ है तो हां तो ठीक है, तो फिर फिकर नॉट, अभी तक साथ देने का कोई फायदा नहीं है। छठे नंबर से तुसी जो है ऊपर ही नहीं आए, मेरा साथ जो है वो इतना अच्छा नहीं है। बट थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों ने उतना ही एंजॉय किया HBLPSL जीत की जंग जितना हम दोनों ने। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। खवातीन में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद? जब वो नाराज होती है। फिर इसको सोने का और टाइम मिल जाता है। नहीं, जब भी कोई खवातीन नाराज होती है ना फिर वो बोलती नहीं है।